साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत साल 2020 में महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। 14 जून को सुशांत अपने बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे। उनके निधन के बाद से ही सुशांत की मौत को लेकर कई तरह की बातें कही गई, कई तरह के सवाल उठे और कई अलग अलग तरह की थ्योरी भी सामने आई। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी पहली जांच में सुशांत की मौत को साफ तौर पर सुसाइड माना था, मगर सुशांत के परिवार और फैंस ने उनके निधन को सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर माना और इसी को लेकर कई तरह की मुहिम भी चली। इस केस में महाराष्ट्र सरकार से लेकर मुंबई पुलिस तक पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए और कई तरह के आरोप भी लगे। सुशांत की मौत के बाद में कई बड़े बड़े लोगों का भी नाम सामने आया। हालांकि बाद में सुशांत मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन फिर भी सुशांत की जस्टिस की लड़ाई वहीं की वहीं रही। सुशांत के फैंस अब तक भी डटे हैं अपने सुपरस्टार को इंसाफ दिलाने के लिए। अब सुशांत के निधन को 9 महीने हो चुके हैं। इस केस की जांच भले ही सीबीआई कर रही है, मगर अभी तक इस मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। जहां एक तरफ सुशांत के फैंस के साथ साथ उनके घर वाले और चाहने वाले इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसी बीच नितेश राणे के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी है। यहां आपको बता दें कि नितेश राणे बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। नितेश राणे खुद एक बीजेपी के नेता हैं। नितेश राणे लगातार सुशांत केस से जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ सुशांत केस बल्कि वो दिशा सालियान के केस से भी जुड़े हुए हैं। अब नितेश राणे ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जो कि सोशल मीडिया साइट पर काफी वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र सरकार मान गई है कि सुशांत का मर्डर हुआ है, तो अब और सबूतों की जरूरत इस केस के लिए नहीं है। अब अपने इसी ट्वीट के साथ नितेश राणे ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है और इस वीडियो में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं और वो मराठी में सुशांत की मौत को लेकर कुछ कह रहे हैं। नितेश राणे के ट्वीट की बात करें तो ट्वीट के साथ ही उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो भी काफी वायरल हो गया है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख महाराष्ट्र विधान परिषद में खड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ नितेश राणे ने लिखा, चलो अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था और अब किसी प्रमाण की जरूरत है क्या, और फिर उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। यानी यहाँ पर नितेश राणे का कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने विधान परिषद में खड़े होकर सुशांत की मौत को हत्या नाम दिया है। और वाकई में जो वीडियो नितेश राणे ने पोस्ट किया है उस वीडियो में अनिल देशमुख मराठी में सुशांत की मौत को हत्या कहते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं। अब नितेश राणे द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया साइट पर काफी वायरल हो गया है और सुशांत के फैंस लगातार इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें नितेश राणे सुशांत केस में लगातार कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड को लेकर भी कई तरह के खुलासे किए थे। नितेश राणे ने टीवी न्यूज चैनल्स पर लाइव बैठकर कई ऐसे सबूत होने की बात भी कही थी जो कि दिशा सालियान के केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। नितेश राणे ने ये भी कहा था कि वो जरूरत पड़ने पर सीबीआई को ये सब सबूत सौंपेंगे और दिशा और सुशांत की मौत से पर्दा हटा कर रहेंगे। हालांकि नितेश राणे ने ये सबूत सीबीआई को दिए या नहीं दिए इस बात को लेकर अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। खैर फिलहाल नितेश राणे का ये ट्वीट सोशल मीडिया साइट पर बहुत वायरल हो गया है और लोग नितेश राणे द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो बार बार देख रहे हैं जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री सुशांत की मौत को हत्या कह रहे हैं। खैर फिलहाल पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई अपनी जांच में इस वीडियो को भी शामिल करे और सुशांत की मौत को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश करे। तो बिग बॉस 13 फेम टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। फिलहाल रश्मि अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस इंटरव्यू में रश्मि ने टीवी और फिल्म कलाकारों के बीच होने वाले भेदभाव को लेकर खुलकर बात की और बताया कि टीवी कलाकारों को कैसे तंज कस के फिल्मों से आउट करके बेवजह का प्रेशर बनाकर मरने तक को मजबूर कर दिया जाता है।
आपको बता दें, रश्मि ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में टीवी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ पक्षपात किया जाता है। उन्होंने कहा कि टीवी के कलाकारों को अलग प्लेटफॉर्म में बांटा जाता है। रश्मि देसाई ने कहा, उन्हें बहुत बुरा लगता है जब उन्हें किसी प्लेटफॉर्म में टीवी एक्टर कहकर बुलाया जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। उन्होंने आगे कहा, अच्छे काम की पहचान बॉलीवुड में किसी को नहीं है, वो सिर्फ अपने आराम के हिसाब से कलाकारों को डिवाइड करते रहते हैं। रश्मि देसाई आगे बोली, फिल्म मेकर को नए चेहरे भी चाहिए होते हैं, लेकिन वो कभी भी टीवी से नए चेहरे नहीं लेना चाहते। सिर्फ प्रभावशाली लोगों को अच्छा काम और अच्छी जगह मिलती है, और एकाध कोई टीवी एक्टर अगर बॉलीवुड में पहुंच भी गया तो उसका जीना ही मुश्किल कर देते हैं। रश्मि ने कहा कि मुझे फिल्म मेकर्स के ये फैसले बिल्कुल नापसंद हैं और बहुत अपमानजनक भी लगते हैं। रश्मि का मानना है कि एक्टर को एक्टर ही समझना चाहिए और एक्टर होने के नाते उन्हें किसी भी मीडियम में काम करने का पूरा हक होना चाहिए, उन्हें किसी कैटेगरी में बांध कर नहीं रखना चाहिए। रश्मि ने आगे कहा, हम अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए हैं। हम में से कुछ तो ऐसे कलाकार हैं जो घर वालों के अगेंस्ट जाकर अपने सपने बुनने मुंबई में आए हैं, मगर मुंबई आकर आपको असली गंदगी का एहसास होता है। रश्मि ने कहा, हाल ही में सुशांत जैसे उम्दा कलाकार की मौत हो गई। पता नहीं उसने मौत को खुद गले लगाया या फिर उसके साथ किसी और ने गलत किया, ये तो मुझे नहीं पता, मगर उसकी जगह मैं खुद को रख कर उसका दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। रश्मि ने आगे कहा, मुझे पता है कि टीवी से जाकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना सुशांत के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक ऐसा ताज है जिसमें कांटे ही कांटे लगे हैं। रश्मि ने कहा, मैं समझ सकती हूँ सुशांत को गिराने के लिए कितने लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा, कैसे उससे फिल्में छीनी गई होंगी और कैसे उसकी फिल्मों को बंद कर दिया गया होगा। रश्मि ने आगे कहा, अरे बॉलीवुड में इतनी गंदगी भरी है कि वो किसी भी आउटसाइडर को अपने चरणों की धूल समझते हैं, और जो उनके पैर दबाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, और सुशांत जैसे खुद्दार अभिनेता उनकी आंखों में हमेशा छुपते रहते हैं। रश्मि यहाँ पर इमोशनल होते हुए बोली, मैंने उस लड़के को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते देखा है, वो बहुत ज्यादा मेहनती था, उसने इतना हार्ड वर्क कर अपना नाम कमाया था, उसकी अनटाइमली मौत का अफसोस मुझे आजीवन रहेगा। मैं समझ सकती हूँ कि वो बॉलीवुड के पक्षपात में किस कदर उलझ गया होगा। यहाँ आपको बता दें, रश्मि देसाई पहले से ही अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की म्यूचुअल फ्रेंड रही हैं। ये तीनों टीवी पर काम करते हुए काफी साल साथ में रहे और काफी मस्ती करा करते थे, मगर अंकिता और सुशांत के ब्रेकअप के बाद रश्मि का भी सुशांत से कांटेक्ट कम हो गया, और रश्मि को इस बात का बेहद अफसोस है कि काश वो सुशांत के कांटेक्ट में रही होती। यहाँ आपको बता दें, रश्मि ने कई अलग अलग भाषाओं की फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है, मगर रश्मि का कहना है कि सिर्फ बॉलीवुड ही ऐसी जगह है जहाँ पर टीवी एक्टर की इज्जत नहीं होती, बाकी और जगहों पर ऐसा नहीं है। रश्मि का कहना है कि एक्टर या एक्ट्रेस की बात तो छोड़ ही दो, बॉलीवुड में तो टीवी मेकर की भी इज्जत नहीं होती। अगर कोई टीवी मेकर चाहे कि वो फिल्म बनाए तो चाहकर भी वो फिल्म नहीं बना पाता, क्योंकि उसके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और ऐसा ही हाल बॉलीवुड में टीवी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ होता है। मतलब यहाँ पर रश्मि ने सब कुछ खुलकर बता दिया कि बॉलीवुड में कितनी गंदगी भरी है और टीवी एक्टर और आउटसाइडर के लिए कितना पक्षपात किया जाता है। रश्मि ने अपने इस इंटरव्यू में सब कुछ खुलकर बता दिया। तो आप भी अगर रश्मि की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।